वेलकम बैक। और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगी 12 रबीउल अव्वल और ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। और अब एक बड़ी मज़ेदार सी मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली कल जब मैं शो करी थी तो मेरी जो अम्मी हैं उन्होंने मुझे एक फॉरवर्ड भेजा था, और वो इतना खूबसूरत फॉरवर्ड था। उसमें लिखा था जुनेद के जब हम सब पैदा भी नहीं हुए थे तो एक इंसान ऐसा था दुनिया में जो कि हमारे लिए रोता था, दुआएँ मांगता था। वो एक इंसान ऐसा था जो अपनी उम्मत के लिए, एक एक बच्चे बूढ़े इंसान के लिए, उनके दुनिया में आने से पहले रो रो के दुआएं मांगता था। वो कौन इंसान था? वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उनकी उनके दोस्त अहबाब थे, बीवियां थीं, बच्चे थे, मगर फिर भी उनको जो फिक्र खाती थी वो उनकी उम्मत की थी। और वो हम सब हैं, आप हैं, मैं हूँ, यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं, हमारा पूरा जितने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई सब हैं। मगर हमने उस फॉरवर्ड में लिखा हुआ था कि हमने वापस क्या दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस तरह मैं और जुनेद अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं घपले करते हैं, मुल्क का नाम खराब करते हैं, हमारे सियासतदान माशाल्लाह काफी टॉप पे हैं करप्शन की, तो दिस इज आई डोंट थिंक दिस इज अ वे टू रीपे उस इंसान, उस शख्सियत, उस हस्ती के लिए जो कि अल्लाह का महबूब है, जिसने हमारे लिए इतना अपनी पूरी जिंदगी, वो पूरी जिंदगी रातों को उठ के रो रो के इबादत करते रहे और दुआएं करते रहे, किस लिए? मतलब उनको तो मेरे नहीं ख्याल से कि उनको कोई जरूरत तो नहीं थी, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले ही अल्लाह ताला की महबूब शख्सियत थे, उनको पता वो तो स्ट्रेटली वो जन्नत के बादशाह हैं। तो वो किस लिए रोते थे? हमारे लिए रोते थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर जाऊं इनके लिए। अच्छा, वो फॉरवर्ड जो था जो मामा ने भेजा था कल मुझे, वो एंड ऐसे हुआ कि आज से ठान लेते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, सारे हजारों साल गुजरे, हम बहुत खराब लोग निकले और हैं अभी भी गुनाहगार, मगर आज से ये ठान लेते हैं कि लेट्स चेंज थिंग्स, और अच्छाई के रास्ते पे जितने कोशिश कर सकें आएंगे। मतलब कुरान शरीफ देख लें, हजूर पाक की हस्ती देख लें, वो एक ही चीज़ है, तो हम उनको क्यों ना फॉलो करें। और उनके जो टाइटल्स भी थे, हम कहते हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो उनके जो नाम हैं बेशुमार, उनमें देखें कि सारे वही ट्रेड्स हैं जो उनकी पर्सनालिटी है, जो कि अल्लाह कहता है कि हम यूं हों, सादिक, अमीन, मतलब सच्चाई, और बच्चों से कैसे सलूक करना है, बूढ़ों से कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीनी है। आगे आप बात कर रही थी जिस तरह के रातों को उठ के रोते थे, और मुझे वो ताइफ का वाकया याद आ गया उनका, कि जिस किस तरह वो शफीक थे उन लोगों पर भी जो उन पर जुल्म करते थे। आप ये ताइफ चले गए, यमन के अंदर एक जगह है, तो वहाँ के लोगों ने आप पे ना पत्थर बरसाए, तो जिब्राइल फौरन आए कि क्या मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूँ ताकि इनको गर्क कर दिया जाए, इन्होंने आप पे जुल्म किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ पता नहीं, शायद इनकी अगली नस्लों में मुसलमान हों। तो हुजूर सल्लम की जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो शख्सियत थी, वो तो तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजी गई। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए। एक बस कोशिश नहीं करते ना, कोशिश में बहुत साल गुजर गए, बस आज ठान लेते हैं, लेट्स जस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर ले ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है ना। हाँ, तो ये हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आज हमारा नया साल है, जिस दिन हुजूर की विलादत हुई है, हमारी भी नई, हम भी नए पैदा हुए। हाँ, सोचें आप आज पैदा हुए हैं, आपकी क्लीन स्लेट है, आपको मौका मिला है, और मुझे एक और मौका शदीद मिल रहा है, एक बहुत नई कॉलर नहीं है हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, और वो बहुत दूर से आए हैं, ऑल द वे फैसलाबाद से आए हैं। कल भी हमारे साथ बहुत अच्छे कवाल भाई और काजम्स का बैंड था, वो भी फैसलाबाद से आए थे, और हमारे साथ अली शेर हैं जो फैसलाबाद से आए हैं, जो कि सारे गामा पा, ये बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क में कंपटीशन होता है जहाँ पे पाकिस्तानी बड़े पॉपुलर होते हैं। हाँ, तो ये भी वहाँ बहुत पॉपुलर और नाम मुल्क का रोशन करके आए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और आज भी हमारे लिए बहुत अच्छे कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अब बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। यानी कि आप भी फुल मना रहे हैं ये दिन, क्योंकि आपने इतना अच्छा तैयार हुए हैं, कलरफुल और फुल चमकीले कपड़े। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ईद उल फितर है, मतलब बड़ी ईद भी है, लेकिन मैं खास ईद इसे समझता हूँ, क्योंकि जब आका नामदार दुर्रे यतीम मोहसिन इंसानियत जो हैं नूरुल हुदा अहमद मुतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी एज अ मुस्लिम ईमान वालों के लिए ईद यही है। ईमान वालों के लिए ईद, क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात, और इसी खूबसूरत बात पर आपको खूबसूरत सा कलाम भी। अब प्लीज़ जी, सबसे पहले मैं हमदे बारी तआला के चंद अशआर पेश करूँगा।
तो समाप्त कीजिए हम दिवाली ताला।
हर बंदे आ अल्लाह अल्लाह कर बंदे आ खाली दमना पर बंदे आ जिसका कोई सान नहीं जिसका कोई सान नहीं अफजल जिक्र है अल्लाह तन मेरा बोले अल्लाह मन मेरा बोले क्या बात।